शहर के धौली प्याऊ क्षेत्र में रेलवे फाटक के समीप ट्रक के टक्कर से स्कूटी सवार एक 13 वर्षीय बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। वहीं हम आपको बता दें कि बालाजीपुरम थाना हाईवे निवासी कल्पना शर्मा अपने भतीजे और बेटी स्नेहा के साथ स्कूटी पर सवार होकर धौली प्याऊ क्षेत्र होते हुए मथुरा की ओर जा रही थी। तभी धौली प्याऊ स्थित रेलवे फाटक के समीप पीछे से आते आर्मी ट्रक ने स्कूटी सवारों को रौंद डाला, जिसमें तीनों सड़क पर गिर पड़े। वहीं इसी बीच ट्रक के पहिए तले आकर 13 वर्षीय स्नेहा मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक मौत के बाद चालक ट्रक को मौके से लेकर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया यदि ट्रक का चालक घायलों को उपचार के लिए ले जाता तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी। नरेश कुमार शर्मा, ये हमारी भांजी थी। ये घटना ये हुई सिराइयों के हॉस्पिटल से, जो कट है जो आपका बजरंगबली का मूर्ति जकी है उस जगह ये लोग खड़े थे, स्कूटी से चलने को ही तैयार हो रहे थे। सामने से एक आर्मी का ट्रक आया, उसने इनमें टक्कर मारी। दो लोग, एक जिसमें मेरा बेटा था 2-2.5 साल का, वो और मेरी बहन जी, वो गिर गए कच्चे में, और जो भांजी है मेरी वो गिर गई रोड साइड। अगर वो सज्जन थोड़ी सी मानवता दिखा के अगर उसको रोक लेते अपने वाहन को, उनके साथ ना तो कोई मारपीट हो रही थी, जो व्यक्ति ड्रेस में है उसके साथ क्यों होगा इस तरह की हरकत। पहली बात, ये घटना होनी नहीं थी, हुई इस वजह से क्योंकि उन्होंने लापरवाही करी। अगर टक्कर मार दी है आप वहाँ रुक जाते, बच्ची के ऊपर से वो पहिया नहीं निकल के जाता, उसी समय डेथ हो गई। जब बिल्कुल 13 साल की भांजी है मेरी, ये है आपका धौली प्याऊ जो है चिरायोग हॉस्पिटल है, उसके थोड़ा सा आगे जो हनुमान जी की जो मूर्ति रखी हुई है। कार्रवाई किस में आपने? कार्रवाई सर देरी दे दी है, इंस्पेक्टर साहब से निवेदन कर दिया है, चाहे आर्मी का हो चाहे पुलिस का हो चाहे BIP हो BVIP हो, वो अपनी सजा का हकदार है और उसको सजा मिलनी चाहिए। ये निवेदन